नमो नमः प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम वाच्य पढ़ेंगे जो कि 10वीं कक्षा में पूछे जाते हैं। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना बच्चों, वॉइस, उसे हम कहते हैं वाच्य। तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है? किसी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। बात करने के तरीके को ही हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता से रिलेटेड है ये, कर्मवाच्य यानी कि कर्म से रिलेटेड है, और भाववाच्य यानी कि भाव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसमें कर्ता जो है प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। फिर इसके बाद कर्तृवाच्य में बच्चों कर्ता, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, ठीक है। और जो क्रिया है वो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में क्या है? जैसे इसमें कर्म प्रधान होता है, और इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में हो, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, और क्रिया जो है कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है, ठीक है। फिर इस तरीके से भाववाच्य, इसमें भाव प्रधान होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, और जो कर्म है वो इसमें नहीं होता है। इसमें भी जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। इनके उदाहरण एक बार देख लेते हैं हम बच्चों। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप जानने बहुत आवश्यक हैं। तो आप उस शब्द रूपों को पढ़िए, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ आएंगे ये वाच्य परिवर्तन। तो अब देखिए यहाँ पे उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि हम लिखते हैं लता गीतम गायति, ये कर्तृवाच्य। इसमें देखो लता क्या है? कर्ता, गीतम कर्म है, और गायति क्रिया है, ठीक है। तो इसमें कर्ता प्रधान है, और गीतम ये इसका कर्म है। इसमें मैंने बताया था कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, और गायति ये कर्ता के हिसाब से क्रिया होती है, तो लता पर डिपेंड कर रही है क्रिया, तो इसलिए यहाँ पे गायति है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अहम विद्यालयम गच्छामि, ये अहम उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष, एक वचन की क्रिया आई है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट त्वम चित्रम पश्यसि, तुम चित्र देखते हो, तो ये भी मध्यम पुरुष है, और यहाँ पे क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से कर्मवाच्य में इन्हीं सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे? लतया गीतम गीयते, तो ये कर्ता है, और कर्ता में तृतीय विभक्ति आई है जैसे कि नियम में बताया गया है, तो गीतम ये इसमें प्रथमा विभक्ति है, जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है, और गीयते ये इस पे डिपेंड होती है, कर्म पे डिपेंड होती है इसकी क्रिया, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया लता के द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मया विद्यालयम गम्यते, मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है बच्चों? के द्वारा या से, तो इसका अर्थ हो गया मया का मतलब मेरे द्वारा विद्यालयम, विद्यालय, गम्यते जाया जाता है, तो तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, और क्रिया इस कर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, त्वया चित्रम पश्यते, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, चित्रम चित्र, पश्यते देखा जाता है, तुम्हारे द्वारा चित्र को देखा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका अर्थ होगा। अब भाववाच्य में, क्योंकि इसमें कर्म तो होता नहीं है, सिर्फ कर्म सॉरी कर्ता और क्रिया होगी, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, ठीक है। तो लतया गीयते, लता के द्वारा गाया जाता है,
मया गम्यते, मेरे द्वारा जाया जाता है, त्वया पश्यते, तुम्हारे द्वारा देखा जाता है। कर्तृवाच्य के जो सेंटेंस होते हैं हम उन्हें दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया वाले यानी कि जिसमें कर्म होता है ऐसे सेंटेंस हम लिखते हैं, और एक अकर्मक क्रिया वाली यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता जिसको हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कर्तृवाच्य में लिखे जाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, जैसे रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। अहम् ग्रामं गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ। और अकर्मक क्रिया के सेंटेंस देखो, इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ दो शब्द लिखे हुए, एक कर्ता है और एक क्रिया है। तो बालकः हसति, बालक हंसता है। त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में होती है। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म है, तो देखिए पहला उदाहरण, अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूँ या खाती हूँ। अब इसको कर्तृ कर्मवाच्य में लिखेंगे तो मया फलम खाद्यते, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती हैं। फिर इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो मात्रा भोजनम पच्यते, माता के द्वारा भोजन पकाया जाता है। वयम पत्रम लिखामः, हम सब पत्र लिखते हैं। तो इसमें वयम यहाँ पे बहुवचन में है बच्चों, तो बहुवचन रूप अस्माभिः पत्रम लिख्यते, हम सबके द्वारा पत्र लिखा जाता है। बालकाः कोलाहलम कुर्वन्ति, बालक शोर, कोलाहलम मतलब शोर, कुर्वन्ति करते हैं। तो अब इस यहाँ पे भी बालकाः बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में बालकई ही रूप हो गया। तो बालकई ही कोलाहलः क्रियते, बालकों के द्वारा शोर किया जाता है। ये बच्चों कोलाहल पुलिंग शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है और यहाँ पे कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोलाहल आया है। नेक्स्ट, छात्राः वृक्षान् पश्यन्ति, छात्र वृक्षों को देखते हैं। बहुत सारे छात्र हैं तो इसका तृतीय विभक्ति क्या होगा, छात्रैः ही। और ये वृक्षान् द्वितीय विभक्ति में है तो इसको हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे बहुवचन में, तो वृक्षाः हो गया। तो छात्रैः वृक्षाः दृश्यन्ते, छात्रों के द्वारा पेड़ देखे जाते हैं। बहुत सारे पेड़ है ना, तो पेड़ देखे जाते हैं। नेक्स्ट, बालिका गृहं गच्छति, लड़की घर को जाती है। तो इसमें बालिका का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा बच्चों, बालिकया। गृहं गम्यते, बालिका के द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण जो कि भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए, सह पठति, इसमें कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य, हम इसको बोलेंगे सिर्फ भाव की प्रधानता है। वह, सह ये पुल्लिंग सूचक शब्द है, तो वह पढ़ता है। तो भाववाच्य में कैसे लिखा जाएगा, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो इसकी तृतीय भक्ति, सह की तृतीय भक्ति क्या होगी, तेन, तेन पठ्यते। ताह गायन्ति, ये जो ताह है स्त्री सूचक शब्द है, स्त्री सूचक सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब होता है वे सब गाती हैं। तो वे सब का तृतीय भक्ति क्या होगा, ताभिः गीयते, उन सब के द्वारा गाया जाता है। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। अब यूयम का तृतीय बहुवचन क्या होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन में हो जाता है युष्माभिः। तो युष्माभिः हस्यते, तुम सबके द्वारा हंसा जाता है। नेक्स्ट है, फलानि पतन्ति, यानी कि फल गिरते हैं। अब ये फलानी बहुवचन है तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा, फलैहि पत्यते, फलों के द्वारा गिरा जाता है।
बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। बालैः क्रीड्यते, बालकों के द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट, मृगाः धावन्ति, हिरण दौड़ते हैं। तो इसमें मृगाः का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? मृगैः, मृगैः धाव्यते, हिरणों के द्वारा दौड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य समझ आए होंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद।